आज हम दो तरह के टोर्टिया रैप देखेंगे और ये टोर्टिया रैप इतना आसानी से बन जाता है कि जैसे कि ये बच्चों का काम हो। और दोनों भी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही इजी मेथड से हम ये बनाने वाले हैं। और ये अगर एक बार आप घर पे टेस्ट करा दोगे तो आपको वाहवाही तो मिलेगी ही मिलेगी। और बहुत आसान रेसिपी है तो हर कोई इसे आसानी से बना भी लेगा। तो दोनों भी मेथड के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्ते दोस्तों, पारुल भानुशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। रोज नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हमने यहाँ पर कढ़ाई में एक चम्मच बटर लिया है और बटर गर्म होते ही हम इसके अंदर ले लेंगे एक कटोरी बारीक कटा हुआ कैप्सिकम और एक कटोरी ले लिया है मैंने यहाँ पर टमाटर और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक चम्मच काली मिर्च और एक चम्मच चिली फ्लेक्स और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर प्याज भी ले सकते हो और लहसुन भी ऐड कर सकते हो और ये इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और एक चम्मच हम ले लेंगे यहाँ पर ओरेगानो और बहुत ही अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हमें नहीं कर देना है। और यहाँ पर हम फर्स्ट वाला जो बना रहे हैं वो पिज़्ज़ा टॉर्टिया बना रहे हैं और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे। और यहाँ पर हम नमक डालने के बाद तुरंत ही हम इसके अंदर ले लेंगे दो चम्मच मतलब कि छोटे से दो चम्मच टोमेटो केचप। इससे है ना बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा और अच्छे से बाइंडिंग भी आ जाएगी। और यहाँ पर हमारा केचप डालने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया है 50 ग्राम ग्रेटेड कद्दूकस किया हुआ पनीर और इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको है ना थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद हमने और 50 से 60 ग्राम के जितना पनीर के छोटे छोटे से क्यूब करके ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले आपस में घुल मिल जाए। और यहाँ पर जो हमने लिया है ये एकदम परफेक्ट ये मसाला बन चुका है। तो एक साइड हम बनाएंगे यहाँ पर बच्चों का फेवरेट फ्रेंच फ्राइज वाला टॉर्टिया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल गर्म करने के लिए रख दिया और उसके अंदर मैंने ले लिया है फ्रेंच फ्राइज को डीप फ्राई करने के लिए। और तेल गर्म होते ही हम इसके अंदर तुरंत ही ये फ्रेंच फ्राइज को डीप फ्राई कर लेंगे और तुरंत ये गोल्डन कलर हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। और आप देख सकते हो कि हमारे 3 मिनट के अंदर ही ये फ्रेंच फ्राइज रेडी हो गई है। तो बहुत ही जल्दी आपके साथ में ये फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी भी शेयर कर दूंगी ताकि आप इसे इंस्टेंट और तुरंत बच्चों के लिए बना सकते हैं। और देख ही रहे हो आप इसका कलर। तो यहाँ पर हमारे जो टॉर्टिया है इसको मैंने बहुत ही इजी मेथड से बनाया है। आप चाहे तो मार्केट के भी टॉर्टिया ले सकते हो। और टॉर्टिया को हमने ना बीच में से ही कट किया है और यहाँ पर हमें ना चार साइड में चार अलग अलग यहाँ पर पोर्शन लगाने। तो फर्स्ट के ऊपर मैंने यहाँ पर लिया है जो लाल वाला टोमेटो केचप और लाल वाली जो चटनी आती है वो मिक्स की है। और एक साइड मैंने लिया है नॉर्मल जो हमारा मोजरेला चीज़ होता है वो ले लिया। और सलाद के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है टोमेटो और कैप्सिकम। आप चाहे तो यहाँ पर प्याज और लेट्यूस या कैबेज भी ले सकते हो। और एक साइड मैंने ले लिया है यहाँ पर क्रीम चीज़। आपको यहाँ पर क्रीम चीज़ पसंद ना हो तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो। और जो हमने यहाँ पर पनीर वाला जो मिक्स हर्ब्स बनाकर ये जो मसाला रेडी किया है उसे हम बहुत ही अच्छी मात्रा में ले लेंगे। और जो मसाला हम जो सर्व करेंगे वो लास्ट में ही लेंगे। अभी यहाँ पर ये देखना है कि हमें टोर्टिया को कवर कैसे करना है। पहले एक के ऊपर एक और एक के ऊपर एक ऐसे चारों फोल्ड को हम कवर कर देंगे लेकिन इसे बहुत संभाल के करना है। जो मसाला रहेगा उसे हम मतलब लास्ट में रखेंगे, जो स्टफिंग होगा वो लास्ट में होगा। और अच्छे से हमारा टोर्टिया जो है वो कवर हो चुका है, जैसे कि हम समोसा लेते हैं ना हाथ में उस तरह से, पर हमने इसको चारों को अलग अलग कवर किया है। और एक साइड जो हमने एक छोटा सा पैन गर्म करने के लिए रख दिया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी ले लिया। आप चाहे तो यहाँ पर बटर भी ले सकते हो। और इसे हमें ना दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे मतलब कि 1 से 2 मिनट के लिए। और ये जो टोर्टिया है मेरा एकदम सॉफ्ट वाला है और इसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूंगी। आप चाहे तो नॉर्मल जो रोटी होती है उसके ऊपर भी ये टोर्टिया कर सकते हो। और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा हेल्थी भी है और बच्चे एक के बदले में दो रोटी भी खा लेंगे इस तरह से।
और हेल्थी तो है, साथ में जैसे कि बच्चों का काम हो ना उस तरह से ये बन जाएगा। आप ये काम बच्चों को भी सौंप देंगे तो बच्चों भी इसे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। अभी आप फिर से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि टोटिया को हमें कट कैसे करना है। यहाँ पर मैंने गोल रोटी ले लिए और उसको मिडल से मैंने कट किया और यहाँ पर मैंने डिफरेंट फ्लेवर बनाए। यहाँ पर मैंने चटनी के साथ मेयोनीज मिक्स कर दिया है और एक साइड हम फिर से यहाँ पर ले लेंगे चीज़। आप चीज़ के बदले में यहाँ पर पनीर भी ले सकते हो, 25 की वजह से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और सलाद के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बारीक कटे हुए शिमला मिर्च और बारीक कटे हुए टमाटर। आप सलाद में अपना वेरिएशन भी ले सकते हो, जैसे कि बारीक कटे हुए प्याज, लेट्यूस या आपको जो भी पसंद हो। और यहाँ पर हमने ले लिया है फ्रेंच फ्राइज, यहाँ पर हमने फ्रेंच फ्राइज लिया है ताकि ये है ना बच्चे भी इसे एकदम अच्छे से खा लेंगे। और बहुत ही अच्छी मात्रा में हमने सलाद और चटनी भी ले ली है तो ये पूरा जो पोर्शन है बच्चों को पूरे विटामिन्स और मिनरल के साथ मिल जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज को हमने अच्छे से असेंबल कर दिया। अभी फिर से हम जो है चटनी वाला जो कवर है वो चीज़ के ऊपर करेंगे और जो चीज़ वाला है वो सलाद के ऊपर जाएगा और जो स्टफिंग है वो लास्ट में रहेगा। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि एक के ऊपर एक पोर्शन हम कवर करते जा रहे हैं, लेकिन ख्याल रखें जो स्टफिंग वाला है वो लास्ट में रहेगा और एकदम अच्छे से हम इसको है ना तीनों फोल्ड को स्टफिंग के ऊपर कवर कर दें। देखा ना आपने कितना आसानी से हमने ये टॉर्टिया बना लिया और दोनों भी हमने अलग अलग स्टफिंग की है। और एक साइड फिर से हमने यहाँ पर नॉनस्टिक भी गर्म कर लिया और इसे भी हमें ना 1 से 2 मिनट के लिए क्रिस्पी कर देंगे, मतलब कि हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी ही कर लेना है। और जो हमारी सब्जियाँ हैं उसे भी हमने ओवर कुक नहीं किया। तो मिनटों में ही तैयार है हमारे 2 तरह के टॉर्टिया रैप, जिसे आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। इसे आप है ना नॉर्मल ऐसे ही सर्व कर सकते हो, पर मैंने इसे जो है मेयोनीज वाली जो चटनी बनाई थी उसके साथ और जो रेड चटनी और जिसके साथ मैंने टोमेटो केचप मिक्स किया उसके साथ सर्व कर दिया है। तो मानो कि इसे बच्चों का काम हो उस तरह से ये बन जाएगा, मतलब कि कम मेहनत में बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी। और यकीन मानिए और आप इसे खाओगे तो अपने आप को रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि उतना ज़्यादा टेस्टी और इतना ज़्यादा हेल्थी और साथ में सैलड भी इतना अच्छा है। तो टेस्टी और हेल्थी और साथ में इंस्टेंट, तो ट्राई करना तो बनता है। तो फिर जल्दी मिलेंगे और नए वीडियो के साथ। रोज नए वीडियो के लिए पारुल भानुशाली के चैनल को फॉलो करते रहिए और अपने फीडबैक आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। और अभी एक में जो टॉर्टिया है इसे आप ओपन करके भी दिखा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों है ना एकदम माउथ वाटरिंग हमारा टॉर्टिया।